हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस, आज भी इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स है। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इम्पैक्ट रेसलिंग और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ पार्टनरशिप के बाद हाल फिलहाल में क्या AEW WWE के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है। इतने सालों बाद फाइनली WWE ने क्रिस जेरिको को अपने टेलीविजन के ऊपर मेंशन किया था। मेरे पास आपके लिए AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का नंबर वन कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए AEW जो टूर्नामेंट करवा रही है उस टूर्नामेंट के कुछ स्पॉइलर्स है। टेसा ब्लैंचेट के AEW कंपनी में आने के ऊपर मेरे पास आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट है। और हाल ही में जॉन मॉक्सली ने भी दिखा दिया है कि जॉन मॉक्सली एक रेसलर के साथ साथ एक काफी बढ़िया रियल लाइफ फाइटर भी है। तो गाइज, ये सब अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं AEW के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का नंबर वन कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए AEW जो टूर्नामेंट करवा रही है उस टूर्नामेंट को लेकर क्या क्या स्पॉइलर्स बाहर आए हैं। तो गाइज, मैंने आपको बहुत पहले ही कहा था कि AEW ने पहले भी एक टूर्नामेंट करवाई है और वो टूर्नामेंट AEW का बेस्ट फीमेल टैग टीम कप टूर्नामेंट था। पर AEW ने उस टूर्नामेंट के सभी मैचेस मेनली अपने डायनामाइट शो पर नहीं बल्कि अपने यूट्यूब शो पर किए थे, जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली AEW अब भी अपनी इस विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का नंबर वन कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए जो टूर्नामेंट करवाने वाली है उस टूर्नामेंट की मैचेस भी AEW प्रोबेबली अपने यूट्यूब चैनल या फिर अपनी किसी और सोशल मीडिया हैंडल पर करवा सकती है। और हाल ही में ऐसा ही हुआ है, क्योंकि गाइस टोनी खान ने ये क्लियर कर दिया है कि AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का नंबर वन कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए जो टूर्नामेंट हो रहा है उस टूर्नामेंट के सेकंड राउंड मैचेस हमें AEW के यूट्यूब शो पर या फिर ब्लीचर रिपोर्ट लाइव पर देखने को मिलने वाले हैं, जो मेरे हिसाब से AEW के अपने विमेंस टैलेंट के लिए काफी बड़ी बेइज्जती है। कि प्रोबेबली वो सोच रहे हैं कि AEW की विमेंस डायनामाइट शो पर फीचर करने के लायक नहीं है। पर AEW के इस मूव के बाद हाल ही में AEW ने अपने इस टूर्नामेंट के सभी मैचेस टेप कर लिए हैं और आने वाले दिनों में AEW मैचेस अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर या फिर ब्लीचर रिपोर्ट लाइव के ऊपर टेलीकास्ट करने वाली है। पर AEW ने ये मैचेस पहले ही टेप कर लिए हैं और हाल ही में AEW के सबसे बड़े दुश्मन रेडिट यूजर स्पेस फोर्स वन ने इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैचेस के सभी रिजल्ट्स लीक कर दिए हैं। जो रिजल्ट्स अगर आप नहीं जानना चाहते तो गाइज आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए टाइम फ्रेम के ऊपर स्किप कर हमारी अगली अपडेट जान सकते हैं। पर अगर आप ये रिजल्ट पहले ही जानना चाहते हैं तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेडिट यूजर स्पेस फोर्स वन ने बताया कि AEW की इस टूर्नामेंट के अमेरिकन साइड के ब्रैकेट में थंडर रोजा और नायला रोज ये दोनों ही इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में जाने वाली है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि थंडर रोजा और नायला रोज ये दोनों ही अपने अपकमिंग सभी मैचेस जीतने वाली है। और थंडर रोजा ये मैच जीतने वाली है, इसका मतलब कि प्रोबेबली रिहो इस टूर्नामेंट से बाहर होने वाली है, जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और आपको क्या लगता है कि ये टूर्नामेंट किसे जीतना चाहिए। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि टेसा ब्लैंचेट के AEW कंपनी में आने के ऊपर लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो गाइज, आपको पता होगा कि जब से टेसा ब्लैंचेट ने इम्पैक्ट रेसलिंग कंपनी छोड़ी है तब से सभी लोग जानना चाहते हैं कि टेसा ब्लैंचेट आगे चलकर कौन से कंपनी में जाएगी। और सभी लोगों का कहना यह था कि टेसा ब्लैंचेट प्रोबेबली AEW कंपनी में आ सकती है, क्योंकि उनके फादर टली ब्लैंचेट AEW कंपनी के लिए काम करते हैं। पर अब तक तो टेसा ब्लैंचेट AEW कंपनी में नहीं आई, इसीलिए टेसा ब्लैंचेट के ऊपर बात करते हुए AEW के डायनामाइट शो के पोस्ट शो में कई सारे फैंस ने टोनी शिवानी को सवाल पूछा कि टेसा ब्लैंचेट की AEW के साथ लेटेस्ट स्टेटस क्या है और क्या टेसा ब्लैंचेट AEW कंपनी ज्वाइन करने वाली है या नहीं। जिस सवाल का जवाब देते हुए टोनी शिवानी ने कहा कि हाँ, फिलहाल के लिए तो टेसा ब्लैंचेट AEW कंपनी नहीं ज्वाइन करने वाली, क्योंकि अगर टेसा ब्लैंचेट AEW कंपनी ज्वाइन करने वाली होती तो फिर टोनी शिवानी को टेसा ब्लैंचेट के बारे में थोड़ी फार अपडेट्स पता होते। पर हाल फिलहाल में टोनी शिवानी के पास भी टेसा ब्लैंचेट को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है, इसीलिए टोनी शिवानी का कहना है कि फिलहाल के लिए तो टेसा ब्लैंचेट AEW कंपनी नहीं ज्वाइन करने वाली, जिससे तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल के लिए AEW ने टेसा ब्लैंचेट का अपने कंपनी में डेब्यू रोक कर रखा है। और प्रोबेबली टेसा ब्लैंचेट की सभी सिचुएशन सॉल्व हो जाने के बाद फाइनली AEW टेसा ब्लैंचेट का अपने कंपनी में डेब्यू करवा सकती है। पर हमने पहले भी देखा है कि कई सारे रेसलर्स कहते हैं कि वो किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करने वाले, पर आखिरकार वो लोग उसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। तो प्रोबेबली यहाँ पर भी वही सेम चीज हो सकती है। पर टेसा ब्लैंचेट का बैड एटीट्यूड और उन्होंने पास्ट में रेसिज्म के खिलाफ किए हुए निगेटिव कमेंट्स को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि AEW टेसा ब्लैंचेट का डेब्यू थोड़ी देर के लिए रोक रही है।
और हमें प्रोबेबली कुछ देर बाद टेसा ब्लैंचर्ड AEW कंपनी ज्वाइन करती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि टेसा ब्लैंचर्ड को अपनी कंपनी में साइन करने से AEW अपने विमेंस डिवीजन के लिए काफी बढ़िया रेसलर को साइन कर सकती है, जिससे कि AEW की पूरी विमेंस डिवीजन एलिवेट हो सकती है। इसीलिए मुझे लगता है कि AEW टेसा ब्लैंचर्ड को अपने कंपनी में जरूर साइन करेगी, पर फिलहाल के लिए तो इतनी जल्दी टेसा ब्लैंचर्ड AEW कंपनी में नहीं आने वाली, पर क्या पता टेसा ब्लैंचर्ड हमें AEW के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के नंबर वन कंटेंडर टूर्नामेंट में इंटरफेयर कर AEW के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर भी बनती हुई दिखाई दे सकती है, जो तो मेरी खुद की प्योर स्पेकुलेशन है, पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप ऐसा देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि किस तरीके से WWE ने क्रिस जेरिको को अपने टेलीविजन के ऊपर मेंशन किया। तो गाइज, अगर आप WWE को बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि अगर WWE का कोई सुपरस्टार WWE कंपनी छोड़कर किसी और कंपनी के लिए काम करता है जो कंपनी WWE के लिए कॉम्पिटिशन मानी जाती है, तो फिर WWE ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो सुपरस्टार WWE कंपनी में था ही नहीं, जिस वजह से WWE ने क्रिस जेरिको और डीन एम्ब्रोज इन दोनों को किसी भी तरीके से अपने WWE के टेलीविजन के ऊपर मेंशन करना टोटली बंद कर दिया है। पर हाल ही के स्मैकडाउन शो में जब डेनियल ब्रायन सिजारो और केविन ओवेंस अपने स्मैकडाउन के शो के मेन इवेंट में होने वाले मैच को लेकर बैक स्टेज में खड़े रहकर एक स्ट्रैटेजी बना रहे थे कि उनके अपकमिंग मैच के लिए उनकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, तो यहीं पर इस सेगमेंट में बात करते हुए डेनियल ब्रायन और सिजारो ने केविन ओवेंस से कहा कि वो दोनों केविन ओवेंस के ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं करने वाले, क्योंकि आज से पहले केविन ओवेंस ने अपने सभी दोस्तों को धोखा दिया है। जिसके बाद इन दोनों ने केविन ओवेंस को रिमाइंड किया कि केविन ओवेंस ने किन्हें किन्हें धोखा दिया है, और यहाँ पर ब्रायन ने कहा कि किस तरीके से केविन ओवेंस ने न्यू डे ज्वाइन कर उसके बाद न्यू डे को ही धोखा दे दिया था, और सिजारो ने कहा कि किस तरीके से केविन ओवेंस ने अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड सैमी ज़ेन को भी धोखा दे दिया था। पर यही आगे बात करते हुए डेनियल ब्रायन ने कहा कि एक और बहुत ही बड़ा नाम है जिसे कि केविन ओवेंस ने धोखा दे दिया है, पर वो नाम फिलहाल के लिए डेनियल ब्रायन को याद नहीं आ रहा, और उन्हें प्रोबेबली एक लिस्ट बनाकर रखनी चाहिए थी, जो बात यहाँ पर डेनियल ब्रायन ने कही, जो कि उनका डायरेक्टली क्रिस जेरिको की तरफ इशारा था, क्योंकि आपको पता होगा कि WWE में क्रिस जेरिको का एक गिमिक था जिस गिमिक में क्रिस जेरिको एक लिस्ट लेकर आते थे, और केविन ओवेंस ने क्रिस जेरिको को भी धोखा दिया है जिस तरीके से डेनियल ब्रायन ने क्रिस जेरिको को WWE स्मैकडाउन के शो पर मेंशन किया, और जेरिको को मेंशन करने के बाद यहाँ पर तीनों ही सुपरस्टार्स हंस रहे थे। पर इसके बाद इस सेगमेंट के ऊपर रिप्लाई देते हुए क्रिस जेरिको ने एक ट्वीट भी किया, और इस ट्वीट में क्रिस जेरिको ने लिखा कि हे वेट अ मिनट, जिस तरीके से क्रिस जेरिको ने WWE के क्रिस जेरिको को अपने टेलीविजन के ऊपर मेंशन करने को एक रिप्लाई दिया है, और मुझे लगा कि एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि आपको बतानी जरूरी है, तो इसके ऊपर आप मुझे अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में जॉन मॉक्सली ने किस तरीके से दिखा दिया है कि जॉन मॉक्सली एक रेसलर के साथ साथ एक काफी बढ़िया फाइटर भी है। तो गाइज, प्रोबेबली मैंने ये अपडेट पहले आपके साथ शेयर नहीं की कि जॉन मॉक्सली को GCW रेसलिंग कंपनी ने अपने अपकमिंग ब्लड स्पोर्ट्स इवेंट के लिए बुक कर दिया था, जिस शो पर जॉन मॉक्सली का मैच डेवी बॉय स्मिथ जूनियर के अगेंस्ट होने वाला था। पर अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड की है तो गाइज, आपको ये अपडेट बहुत पहले से ही पता होगी, क्योंकि मैंने ये अपडेट हमारे चैनल की एप्लीकेशन में दे दी है, जहाँ से कि आप AEW के हर एक अपडेट हमारे चैनल पर आने से काफी पहले जान सकते हैं। और अगर आपने वो एप्लीकेशन अब तक डाउनलोड नहीं की तो गाइज, आपको उस एप्लीकेशन की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आए हुए आई बटन के ऊपर भी मिल जाएगी, पर वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले ये वीडियो चेकआउट जरूर कर लेना। पर हाल ही में ब्लड स्पोर्ट्स 5 पर जॉन मॉक्सली और डेवी बॉय स्मिथ जूनियर का मैच हो चुका है, और इस मैच का रिजल्ट भी आ चुका है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मैच कोई रेसलिंग मैच नहीं बल्कि एक फाइटिंग मैच था, जैसा कि हम UFC में देखते हैं। पर आप इस कॉन्सेप्ट को WWE रॉ अंडरग्राउंड की तरह भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ उसी तरीके के मैचेस हो रहे थे, और जॉन मॉक्सली और डेवी बॉय स्मिथ जूनियर का मैच भी इसी कैटेगरी का मैच था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच दिखने में एक सच में रियल फाइट लग रही थी, और डेवी बॉय स्मिथ जूनियर अपने ब्लड स्पोर्ट्स के इस टाइप के मैच में अब तक कभी नहीं हारे थे। पर फाइनली एक काफी ब्रूटल मैच के बाद जॉन मॉक्सली ने डेवी बॉय स्मिथ जूनियर के ऊपर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगाया, जिससे कि डेवी बॉय स्मिथ जूनियर नॉकआउट हो गए, और यहां पर जॉन मॉक्सली ने नॉकआउट के सहारे ये मैच जीत लिया है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मैच जीतने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, पहला तो सबमिशन और दूसरा तो नॉकआउट, और नॉर्मल रेसलिंग मैच के तरह इस मैच में कोई पिनफॉल नहीं होता, जिससे कि जॉन मॉक्सली ने डेवी बॉय स्मिथ जूनियर के ऊपर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगाकर ये मैच नॉकआउट के सहारे जीत लिया है। और ये मैच देखकर तो आप समझ ही सकते हैं कि जॉन मॉक्सली रेसलिंग के साथ साथ काफी बढ़िया फाइटिंग भी कर सकते हैं।
और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका जॉन मॉक्सली की इस मैच के ऊपर क्या कहना है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इम्पैक्ट रेसलिंग और न्यू जापान प्रो रेसलिंग कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप करने के बाद अब क्या AEW WWE कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप करना चाहती है या नहीं। तो गाइज WWE और AEW इन दोनों ही कंपनियों को पहले से ही एक दूसरे का कॉम्पिटिटर माना गया है, जिससे कि सभी को पता है कि इन दोनों ही कंपनियों के बीच में पार्टनरशिप होना थोड़ा फार मुश्किल है। पर हाल ही में फॉरबिडन डोर खुल चुका है, इसीलिए सभी लोग जानना चाहते थे कि क्या अब AEW और WWE कंपनी के बीच में कोई पार्टनरशिप हो सकते है या नहीं। जिस सवाल के ऊपर सबसे पहले अपने थॉट शेयर करते हुए कोडी रोड्स ने कहा कि कोडी रोड्स को नहीं लगता कि WWE और AEW कंपनी के बीच में कोई पार्टनरशिप हो सकती है, क्योंकि कोडी रोड्स का मानना है कि AEW एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ चलती है और जिन रूल्स और जिन थॉट्स के ऊपर AEW चलती है उन थॉट्स के ऊपर WWE कभी भी चलना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि WWE को रेसलिंग टेरिटोरी सिस्टम कभी भी पसंद नहीं था और वो रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े जायंट बनना चाहते थे। इसीलिए कोडी रोड्स को लगता है कि WWE AEW के साथ कोई भी पार्टनरशिप करने के लिए कभी भी राजी नहीं होगी। पर कोडी ने ये भी कहा कि अगर WWE AEW के साथ एक पोटेंशियल पार्टनरशिप करना चाहती है तो फिर AEW के दरवाजे WWE के लिए हमेशा से खुले हैं। पर जब यही सेम सवाल टोनी खान से पूछा गया तो टोनी खान ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि टोनी खान खुद से चाहते हैं कि WWE और AEW कंपनी के बीच में कोई पार्टनरशिप हो, जिससे कि सभी फैंस को काफी वैरायटी के मैचेस देखने को मिले और ओवरऑल किसी एक को नहीं बल्कि पूरे के पूरे रेसलिंग बिजनेस को फायदा हो। इसलिए टोनी खान खुद से चाहते हैं कि WWE AEW के साथ एक पार्टनरशिप करे। और टोनी खान ने तो यहाँ पर यह भी कह दिया कि टोनी खान काफी डेस्परेटली चाहते हैं कि WWE जैक्सनविल आकर AEW से बात करे और उन दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप हो जाए। पर मुझे नहीं लगता कि WWE अपना एटीट्यूड छोड़कर कभी भी किसी और कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए खुद से जाने वाली है, जिससे तो मुझे नहीं लगता कि WWE और AEW कंपनी के बीच में कभी भी कोई पार्टनरशिप हो सकती है। और माना कि AEW ने कहा कि AEW WWE के साथ कोई भी पार्टनरशिप करने के लिए टोटली रेडी है, पर प्रॉबेबली AEW खुद से WWE के पास जाकर WWE के साथ एक पार्टनरशिप करने के बारे में नहीं सोच रही। पर वही अगर यहाँ पर हम WWE के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गाइज माना कि WWE और AEW कंपनी के पार्टनरशिप से ओवरऑल सभी फैंस को फायदा होगा, पर इससे प्रॉबेबली WWE को कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि WWE रेसलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है और अगर वो किसी और कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती है तो प्रॉबेबली WWE के व्यूवर्स उस कंपनी को भी देखने के लिए जा सकते हैं। और मानो या ना मानो लेकिन अगर किसी फैन को WWE के प्रोडक्ट के अलावा AEW का प्रोडक्ट पसंद आया तो प्रॉबेबली वो फैन दोबारा से कभी भी WWE नहीं देखेगा, जिससे कि WWE AEW के साथ पार्टनरशिप कर खुद से ही AEW कंपनी का प्रमोशन कर AEW को एक काफ़ी बड़ी रेसलिंग कंपनी बना देगी। और अभी से लोग सोच रहे हैं कि AEW WWE कंपनी के लिए कंपटीशन बन सकती है और अगर WWE AEW के साथ पार्टनरशिप कर AEW कंपनी को और भी थोड़ा बड़ा बनाती है तो मुझे लगता है कि इन दोनों ही कंपनियों के बीच में काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन हो सकता है। इसीलिए मेरे हिसाब से WWE और AEW कंपनी के बीच में कभी भी कोई पार्टनरशिप नहीं होने वाली। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप इन दोनों ही कंपनियों के बीच में कोई पार्टनरशिप देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?